नमस्कार, आपका स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल न्यू हिंदी इस चैनल को और साथ में भी बेल आइकॉन को दबाए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। कावाज़ाकी ने पेश की थ्री व्हीलर कॉन्सेप्ट बाइक, हैरान कर देंगी खूबियां। जिस तरह स्मार्टफोन जगत की टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है, उसी तरह गाड़ियों में रोज नए प्रयोग चल रहे हैं। इसी बीच कावासाकी ने अपने तीन पहियों वाली बाइक का कॉन्सेप्ट मॉडल पेश किया है। इसका नाम कॉन्सेप्ट जे रखा गया है। इसे सबसे पहली बार 2013 में टोक्यो मोटर शो के दौरान पेश किया गया था। कावासाकी की ओर से इसे एक YouTube चैनल पर वीडियो फॉर्मेट में टीज किया गया है। जिस तरह स्मार्टफोन जगत की टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है, उसी तरह गाड़ियों में रोज नए प्रयोग चल रहे हैं। इसी बीच कावासाकी ने अपने तीन पहियों वाली बाइक का कॉन्सेप्ट मॉडल पेश किया है। इसका नाम कॉन्सेप्ट जे रखा गया है। इसे सबसे पहली बार 2013 में टोक्यो मोटर शो के दौरान पेश किया गया था। कावासाकी की ओर से इसे एक YouTube चैनल पर वीडियो फॉर्मेट में टीज किया गया है। इस बाइक की खूबियों की बात करें तो ये पूरी तरह से एक इलेक्ट्रिक बाइक है, यानी इसमें पेट्रोल और डीजल कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बाइक में पावर के लिए तीन बैटरी भी लगाई गई है। खास बात यह है कि इस बाइक में राइडिंग के लिए अलग अलग मोड्स भी दिए गए हैं, जिसमें कंफर्ट और स्पोर्ट्स जैसे मोड शामिल हैं। यानी इन मोड्स के जरिए राइडिंग पोजीशन बदली जा सकती है। बाइक को ड्राइवर के सहूलियत के हिसाब से तैयार किया गया है। शहर में ड्राइव करते वक्त कंफर्ट मोड सेलेक्ट किया जा सकेगा, वहीं हाईवे पर स्पीड में चलने के लिए स्पोर्ट्स मोड सेलेक्ट किया जा सकता है। स्पोर्ट्स मोड में बाइक का फ्रंट पार्ट झुककर स्पोर्टी लुक वाला हो जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बाइक का प्रोडक्शन मॉडल 2019 तक आने की उम्मीद है। हालांकि तीन पहियों वाली बाइक्स पर केवल कावासाकी ही काम नहीं कर रहा है, बाकी कंपनियां भी इस दौड़ में शामिल हैं। यामाहा की निकेन भी इसी कॉन्सेप्ट पर तैयार की गई बाइक है। इसे 2018 के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है।